नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम अहिंकारीपुर में प्रधानी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद और जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। घटना में 2 महिला सहित 4 लोग मौके पर ही जिनकी जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा 2 वाहनों के टकराने से हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि जो शव थे उन्हें शिनाख्त के लिए भेजा है। के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के मठ मोहम्मदपुर पुलिस चौकी इलाके में जौनपुर जिले के चंदवक थाना का हिस्ट्री शीटर आनंद सिंह पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। इसी दौरान भाग रहे बदमाश की घेराबंदी कर पुलिस वालों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिरोजाबाद में बारात चढ़ने के दौरान छज्जा गिरने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं छज्जा में दबने से 1 युवक की जान चली गई। थाना नरखी की तजापुरा चौकी के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां पर देर रात बारात चढ़ने के दौरान ये हादसा हो गया। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिरोजाबाद में पीपल के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव। सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और देखने वालों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों की मदद से शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हत्या है या आत्महत्या, इस पूरे मामले को पुलिस उलझाने की कोशिश कर रही है। हाथरस में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार श्रद्धालुओं में से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली से बस में सवार होकर मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे। थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के मेड़ू के पास स्थित भैरव मंदिर के पास श्रद्धालुओं की बस अचानक पलट गई। फिरोजाबाद में एक बच्चे की घर वापस न आने के बाद से परिवार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक तरफ परिजनों को अनहोनी की आशंका है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस बच्चे की बरामदगी जल्द कराने की बात कह रही है। मेरठ में पारिवारिक विवाद में 2 परिवारों में एसएसपी ऑफिस के बाहर जमकर मारपिटाई हो गई। महिलाओं और एक विकलांग ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा। लात घूंसे चलते रहे और पुलिसकर्मी वहां खड़े होकर देखते रहे। जैसे ही मीडिया कर्मियों का कैमरा वहां पहुंचा, तो वहीं उसके बाद ये पूरा तमाशा बंद हो गया। थाना सिवाल खास में पारिवारिक विवाद चल रहा था और मेरठ एसएसपी ऑफिस के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये जनपद में एक हादसे में ट्रेन से कटकर दादी और नाती की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शक्त विशक शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई में जुट गई। बाराबंकी में एसपी के आदेश पर अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बड्डूपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 650 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। थाना प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के बाहर बाग में फंदे में लटका हुआ व्यक्ति का शव मिला। 2 दिन से शराब के नशे में घर में बवाल कर रहा था व्यक्ति। परिजनों का कहना है कि सुबह ही घर से निकला था और बाग में पेड़ से लटका हुआ इसका शव मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिंगरौली के निगम सामाजिक दायित्व वर्ष 2020-21 के अंतर्गत ग्राम खटखरी तहसील जिला सिंगरौली स्थित शासकीय प्राथमिक पाठशाला उत्तर टोला में डुअल डेस्क ग्रीन बोर्ड सिग्नल फैन वितरण समारोह एवं स्कूल में कराए गए जीर्णोद्धार का उद्घाटन समारोह आदरणीय श्री उत्तम लाल महाप्रबंधक मानव संस्थान, श्री रोहित कुमार उप महाप्रबंधक मानव संसाधन NTPC विध्यांचल परियोजना के कर कमलों से संपन्न हुआ। फिरोजाबाद की टूंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना के वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। दोपहर तक करीब 265 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन लगवाने वालों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की काफी भीड़ देखी गई, जिसमें पुलिसकर्मी, डॉक्टर के अलावा नगर के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए टूंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। मथुरा में विशेष न्यायाधीश स्पेशल पॉस्को कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने छिड़खानी और अन्य धाराओं में आरोपी को दोषी होने पर 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और कुल 30,000 का अर्थदंड देते हुए 2 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
फिरोजाबाद में अधिवक्ता नीरज यादव पर हुए केस दर्ज के बाद गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों लोगों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर लिया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि अधिवक्ता नीरज यादव को झूठे केस में फंसाया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी और एसएसपी को लिखित प्रार्थना पत्र में जांच की मांग की गुहार लगाई है। यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।